हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक देखेंगे प्लिंथ बीम है, जो कि प्लिंथ बीम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पूरा प्लिंथ बीम आपको दिखा रहा हूँ। ये 4 BHK का हाउस है, 4 BHK और वेस्ट फेसिंग है। तो ये एक्चुअली थोड़ा नीचे है, इसीलिए 4-5 फीट ऊपर किया गया है, ताकि पानी वगैरह रोड वगैरह जब काम हो फिर घर नीचे ना आ जाए। तो ये है एंट्रेंस, अभी ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस के बाद वहाँ पे पूरा लिविंग हॉल है, और यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट राइट साइड पड़ेगा, लेकिन ये अटैच वो रूम को क्लोज होगा, मतलब वो रूम से ये यूज किया जाएगा। तो ये एक रूम है, हो गया राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड ये एक रूम है। रूम के पीछे एक टॉयलेट है जो कि अटैच है। तो हो गया ये दो रूम आप यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे भी एक रूम है जिसका पीछे भी टॉयलेट है, और ये पूरा लिविंग एरिया है, पूरा लिविंग एरिया है। और इसके बाद ये है डाइनिंग, और ये है किचन, जो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में है। किचन है, यहाँ पे डाइनिंग है, और डाइनिंग किचन वहाँ से वॉल जाएगा, लेकिन वॉल ओपन रहेगा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट अनुसार। तो हमारा ये गया किचन, और ये डाइनिंग, ये एक रूम हो गया जो कि मास्टर बेडरूम, अटैच टॉयलेट, और वो छोटा सा एंट्रेंस है वहाँ पे, और ये एक रूम है जिसका टॉयलेट अटैच है, और यहाँ पे भी एक टॉयलेट विथ अटैच रूम है, और ये पूजा रूम है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, ये पूजा रूम आधा चले जाएगा, और 3-3.5 फीट यहाँ पे रहेगा खुला, ताकि इस रूम को यूज कर सके। तो ये हो गया चौथा नंबर हमारा बेडरूम। तो ये है 4 BHK, और आप देखेंगे यहाँ पे पूरा स्टील एक्चुअली टाटा का लगाया गया है, और 10x15 का कलम है, और इसमें जो सरिया है वो है 16 mm, 4 लगाया गया है, और 12 mm का 2, हर जगह 10x15 का पिलर है। तो 12 mm 2 लगा हुआ है, और 16 mm का 4 हर जगह। एक्चुअली ये G+2 बनेगा, लेकिन अभी के लिए ये बन रहा है G+1। तो ये है प्लिंथ बीम, देख सकते हैं, ये 2 दिन पहले ही प्लिंथ बीम हम लोग डाले हैं, अभी तक कुछ निकाला गया नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।